स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। सिल्वर स्क्रीन की दुनिया, सितारों की मस्ती, गॉसिप और तकरार, क्या कर रहे हैं आपके पसंदीदा स्टार? सिनेमा से जुड़ी हर खबर एंटरटेनमेंट प्लस पर रोजाना दोपहर 12:30 और शाम 6:30 सिर्फ समाचार प्लस पर। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री से। खत्री जी, कांग्रेस की बात काफी हो गई, आप एक विपक्षी दल के अध्यक्ष हैं, मुखिया हैं वहाँ, सरकार कैसी चल रही है उत्तर प्रदेश में? मैं अगर हर फ्रंट पर इसकी समीक्षा करूं तो किसी भी फ्रंट पर उसको ये नहीं कहा जा सकता कि सरकार ठीक से परफॉर्म कर रही हो। सबसे बड़ी बात तो होती है एक लोक कल्याणकारी राज्य में किसी भी सरकार के सामने व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा, और आज उस मोर्चे पर ये सरकार बिल्कुल फेल साबित हो रही है। सांप्रदायिक हिंसा जहां जहां पर हुई, उससे हट करके जहां जहां पर दंगे हुए, उससे हट करके जो अपराधियों का हौसला जैसे लग रहा है कि सरकार के आने के बाद बुलंद हो गया हो, तरह तरह की घटनाएं, महिलाओं पर जुल्म, रेप, दलितों पर जुल्म, ये सारी चीजों के एकदम से जैसे कि बाढ़ आ गई हो। और उत्तर प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री खुद इस बात को कई बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार कर चुके हैं, उस पार्टी के सुप्रीमो नेताजी इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अफसर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं फैजाबाद के दंगे के वक्त कि पुलिस वाले मेरी बात नहीं सुनते, कि जो मैंने आदेश दिया था उसको लोगों ने माना नहीं है। तो एक असहायता की स्थिति कि जिसके हाथ में चाबुक है वो कब उसको चलाना चाहिए उसका उसको एहसास ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ साख की भी गिरावट हुई है। पॉलिटिकल तंत्र में राजनीतिक व्यक्ति से के मुंह से जो चीजें निकलती हैं जनता उस पर यकीन करती है, जो धीरे धीरे खत्म सी होती जा रही है इन सब कारणों से। बहुत लंबे चौड़े वादे इन्होंने किए, नौजवानों के लिए किए, छात्रों के लिए किए, किसानों के लिए किए, और उन वादों पर ये आगे नहीं बढ़ पाए। और अगर किन्हीं वादों पर ये आगे बढ़े तो बहुत उसमें इतने तमाम सवालिया निशान लगा दिए गए कि नहीं, लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम कन्या विद्या धन भी बांट रहे हैं, मेरी बेटी उसका कल वहां भी चेक बांट रहे हैं, लैपटॉप भी खरीद रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, किसानों को का लोन माफ करने की इन्होंने घोषणा की, उस समय स्पष्ट घोषणा थी कि किसानों के सारे कर्ज माफ होंगे। माफ होने की जब बात आई तो एलडीपी बैंक तक सीमित हो गया। लैपटॉप देने की बात इन्होंने की थी, टैबलेट देने की बात इन्होंने की थी। जो मेरी जानकारी है कि अगर हम सारे इंटरमीडिएट और इससे जुड़े हुए जितने भी हमारे टेंथ वालों को टैबलेट और ट्वेल्थ पास करने वालों को लैपटॉप, हाँ जी, तो हम अपना जो बोर्ड यूपी बोर्ड एजुकेशन है, सीबीएसई के भी बच्चे वहां पर हैं, आईसीएसई के भी बच्चे हैं, जितने भी हमारे बोर्ड हैं वहां पर, उन सबकी तादाद अगर जोड़ी जाए तो वो करीब 35 लाख के आसपास बच्चे होते हैं मैं समझता हूँ। और इन्होंने 15 लाख का ऑर्डर दिया है, तो यानी वहां पर भी जब वो इम्प्लीमेंट होगा, अभी तो ऑर्डर दिया है, वहां पर भी वो पूरी फिगर लेने नहीं जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, बेरोजगारी भत्ते में इन्होंने इतनी शर्तें डाल दी कि वो नौजवान भी अपने आप को जो बेरोजगार है ठगा सा महसूस कर रहा है। तो जिन चीजों पर मास में इन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया, नौजवानों को, छात्रों को, किसानों को, ये तीन चीजें मेन थी जिस पर एक टीम बहुत बड़ा समूह इनके साथ जुड़ा था, उन तीनों चीजों पर कि जो घोषणाओं पर जो अमल है वो नदारस्ता है या बेवकूफ बनाने के लिए लोगों को जैसे कि काम किया जाए उस अंदाज में रहा है। अरे सरकार में समस्या कहाँ देख रहे हैं आप, क्यों फंक्शनिंग
ठीक से नहीं हो पा रही। लगता है कि पावर सेंटर कई क्रिएट हो चुके हैं और वो शायद उसी कुश्ती में ये पूरा तंत्र फंसा हुआ है। निर्मल जी, एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों, कल्याण सिंह की वापसी भारतीय जनता पार्टी में। इस घटनाक्रम को आप कैसे एनालाइज करते हैं? कल्याण सिंह की इसके पहले जब वापसी हुई थी जी, तो उन्होंने क्या करिश्मा बीजेपी में करके दिखाया था, आप उस बैकग्राउंड को अगर देखेंगे तो आप खुद ये एहसास कर लेंगे कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब वो पिछली बार वापस हुए थे, बीजेपी ने उनको टिकट बंटवारे में और हर चीजों में बहुत अहमियत दी थी और नतीजा कुछ नहीं निकाल पाए थे वो, तो वो उदाहरण सामने है। लेकिन बीजेपी को काफी उम्मीद है इस बार। नहीं, उम्मीद तो हर दल अपने भविष्य के प्रति रखता ही है, और उम्मीद हर दल जो निर्णय लेता है इलेक्शन के संदर्भ में उसके प्रति भी उम्मीद रखता है। उम्मीद रखना स्वाभाविक भी है जी। हम भी किसी नेता को साथ लेके आएंगे तो हमारे मन में भी उम्मीद होगी कि वो कुछ हमें जोड़ेगा। लेकिन इनका चूंकि इतिहास हम देख चुके हैं तो इसलिए हमें नहीं उम्मीद है कि वो कुछ कर पाएंगे। एक अंतिम सवाल उत्तर प्रदेश पर ही केंद्रित है, वो ये दो बड़े चेहरे, एक यूपीए का अघोषित प्रमुख चेहरा 2014 में जो मैं देख रहा हूं राहुल गांधी, और एक एनडीए का चेहरा राजनाथ सिंह, दोनों उत्तर प्रदेश से, मतलब दोनों बड़ी पार्टियों के मुखिया, व्यावहारिक तौर पर राहुल जी मुखिया ही समझिए और राजनाथ सिंह तो भाजपा के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश से, तो 2014 का जो कुरुक्षेत्र होगा उसका नाभि केंद्र उत्तर प्रदेश होगा क्या? दोनों बड़ी पर्सनैलिटीज वहीं से? नहीं, पर्सनैलिटीज की जो आप तुलना कर रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूं। अगर आप सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के दल के नेतृत्व से तुलना कर रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर का दल बहुजन समाज पार्टी भी है, वो क्षेत्रीय दल नहीं है और उसकी नेता मायावती जी हैं जी। तो हम उनको कहीं से जिन संदर्भों में आप कंपेयर कर रहे हैं नहीं ला सकते हैं। तो सोनिया जी और राहुल जी का जो व्यक्तित्व तो है वो देश का एक सर्वमान्य व्यक्तित्व तो है, कांग्रेस के किसी ओहदे से हट करके, वो अध्यक्ष हैं कि उपाध्यक्ष हैं, उससे हट करके इन लोगों का अपना एक व्यक्तित्व है और उस व्यक्तित्व के आगे किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष पद मैं नहीं समझता कि कोई उसका साथ उसका कोई उसका कंपटीशन किया जा सकता है, उसकी या तुलना की जा सकती है। राजनाथ सिंह के अध्यक्ष बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक वो है, जातीय राजनीति है, उसमें कुछ आप देखते हैं परिवर्तन? फिलहाल तो ऐसा नहीं कुछ दिख रहा है। राजनाथ सिंह और कल्याण सिंह दोनों आपको लगता है कि राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली भूमिका नहीं निभा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कारण? दोनों ही की लीडरशिप को उत्तर प्रदेश में विभिन्न अवसरों पर बीजेपी ने खुद आजमाया है जिसके नतीजों से हम और आप वाकिफ हैं जी। निर्मल जी बहुत बहुत शुक्रिया समाचार प्लस से बात करने के लिए। तो ये थे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष निर्मल खत्री। मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते फिर हाजिर हूंगा एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए समाचार प्लस। इसमें टेस्ट है तंबाकू नहीं, आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा सुपरटेक, योर्स फॉर लाइफ। सो इलायची, खजूर, मिश्री, वाह सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता है ना। रहो हमेशा पास पास। चाहे रियल स्टेट में करना हो निवेश या प्रॉपर्टी से जुड़ा फर्जीवाड़े का हो कोई केस, आप सोच रहे हैं सपनों का आशियाना या प्लॉट खरीद कर घर बनाना, सीधे हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट से कीजिए सवाल। अपनी समस्या हमें ईमेल करें propertyexpert@samachar.com पर, या हमें फोन करें और पाएं अपने सवालों के जवाब प्रॉपर्टी एक्सपर्ट में रविवार शाम 4 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. Nalanda Laser Sanskar City.
@Vrindavan. क्या वास्तु दोषों से ग्रसित है आपका मकान? क्या ग्रह नक्षत्रों की आड़ी तिरछी चाल आपको करती है परेशान? या कुंडली का कोई दोष आपको पहुंचा रहा है नुकसान? पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा आपकी हर मुश्किल का करेंगे समाधान। देखिए हमारा खास कार्यक्रम आपके सितारे, सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। There are new rulers now. बघेलखंड, बुंदेलखंड और रुहेलखंड की खबरें, पूर्वांचल की सरगर्मियां, ब्रज और अवध की सुर्खियां, राजधानी लखनऊ की हलचल और NCR का हालचाल, यानी उत्तर प्रदेश का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तर प्रदेश सुबह 7:30 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम 7:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। नरेंद्र मोदी हो सकते हैं PM के उम्मीदवार, बीजेपी नेताओं ने दिए संकेत। कुंभ मेले में नाम का हो सकता है औपचारिक ऐलान। मोदी की उम्मीदवारी पर JDU की मांग, NDA की मीटिंग में तय हो PM उम्मीदवार। सूचना प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा, बीजेपी के लिए दिल्ली दूर। मोदी के बहाने आजम खान ने कांग्रेस को घेरा, कहा पैसे देकर मोदी को तैयार कर रही है कांग्रेस। राहुल पर भी ज्यादा निशाना, PM बने तो पड़ सकते हैं लाठी डंडे। वसुंधरा राजे होगी राजस्थान बीजेपी की नई प्रदेश अध्यक्ष। दिल्ली में मीटिंग के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने किया ऐलान। गोरखपुर के दागी सपा नेता KC पांडे को लाल बत्ती देने पर उठे सवाल, स्टिंग ऑपरेशन में हुआ था खुलासा। पशु तस्करी के मामले में गोंडा के SP को की थी रिश्वत देने की कोशिश। KC पांडे को लेकर सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बयान, भले आदमी है KC पांडे, CM को दी जाएगी पूरे मामले की जानकारी। दिल्ली गैंगरेप के 5 आरोपियों पर आरोप तय, अपहरण बलात्कार हत्या और लूट समेत 13 धाराओं में चलेगा केस। हरिद्वार गैंगरेप मामले में कोर्ट ने पेश की मिसाल, रिकॉर्ड 11 दिन में कर दिया फैसला, दोषी को दी 10 साल कैद की सजा। नोएडा के DND फ्लाईवे पर भारी वाहनों के लिए नो एंट्री, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक नहीं गुजर सकेंगी भारी गाड़ियां, लेकिन बस पर प्रतिबंध नहीं। और क्रिकेट के मैदान से दूर सचिन तेंदुलकर पहुंचे बालाजी का आशीर्वाद लेने, तिरुपति मंदिर में टेका मत्था। आप देख रहे हैं समाचार फटाफट, शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। चर्चा में आए कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम को लेकर फिल्म निर्माता और अभिनेता कमल हासन तथा तमिलनाडु के मुस्लिम नेताओं के बीच फिल्म के प्रदर्शन को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक कमल हासन फिल्म से 7 अंशों को हटाने के लिए सहमत हो गए हैं, जिसके बाद मुस्लिम नेताओं ने भी फिल्म के प्रदर्शन की अनुमति दे दी। विश्वरूपम शुक्रवार को तमिलनाडु में रिलीज हो सकती है। अब जघन्य बलात्कार के मामलों में दोषियों को फांसी की सजा मिलेगी। शुक्रवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में एक ऑर्डिनेंस पास किया गया, जिसे राष्ट्रपति के पास संस्तुति के लिए भेज दिया गया। सूत्रों की माने तो बलात्कार के जघन्य मामलों में अब फांसी भी हो सकती है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई। इस अध्यादेश में शारीरिक रूप से अक्षम होना या कोमा स्थिति में पीड़ित के जाने पर कोर्ट द्वारा बलात्कारी को फांसी की सजा भी दी जा सकती है। इस ऑर्डिनेंस में रेप को अब सेक्सुअल असॉल्ट की संज्ञा दी गई है। दरअसल 16 दिसंबर को हुए दिल्ली गैंगरेप के बाद जनता के गुस्से को समझते हुए आखिरकार केंद्र सरकार ने बेहद अहम फैसला ले लिया। केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं के खिलाफ अपराध संबंधी कानून को सख्त बनाने के लिए बने जस्टिस JS वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर अमल करते हुए तुरंत कानून को सख्त करने के लिए अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी।
अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन कैबिनेट ने जिस मसौदे पर मुहर लगाई है, सूत्रों का साफ कहना है कि उसके बाद अब बलात्कार के जघन्य मामलों में दोषी को सजाए मौत की सजा दी जाएगी। दिल्ली गैंगरेप केस में 5 आरोपियों के खिलाफ 13 धाराओं में मुकदमा चलेगा। दिल्ली की साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लिए हैं। इन 5 आरोपियों में बस ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश, फल विक्रेता पवन गुप्ता, जिम इंस्ट्रक्टर विनय शर्मा